रेवाड़ी में दिल्ली रोड स्थित फोर्स मोटर्स के शोरूम एमएम ऑटोमोबाइल्स पर फोर्स कंपनी की ओर से फोर्स व्हीकल्स की शानदार उपलब्धियों को लेकर हर गांव में ट्रैक्स पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसके साथ ही शोरूम व कंपनी अधिकारियों ने फोर्स की प्रचार गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां गांव-गांव जाकर फोर्स मोटर्स क्यों खरीदे, इसके क्या लाभ है आदि की जानकारी देगी। तत्पश्चात कंपनी अधिकारियों ने एक मोबाइल वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वैन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां भी किसी कस्टमर की गाड़ी ब्रेक डाउन होगी उसको वहीं रिपेयर किया जा सकेगा। जो कस्टमर सर्विस करवाने वर्कशॉप में नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी सर्विस भी वहीं जाकर की जाएगी। फोर्स मोटर्स अधिकारियों ने सभी स्टाफ को बधाई दी व बर्फी खिलाकर सभी का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि उनके बैंक का फोर्स मोटर्स के साथ अनुबंध है और 100% तक फाइनेंस करने की सुविधा है, जो कस्टमर की सिबिल व अन्य ट्रांजैक्शन को देख कर की जाती है। फोर्स मोटर्स के शोरूम एमएम ऑटोमोबाइल्स के मालिक मनीष गोयल ने कंपनी के सभी अधिकारियों व अपने स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से फोर्स की गाड़ियां अन्य गाड़ियों की तुलना में बेहतर सर्विस देती है। उन्होंने फोर्स की एक नई गाड़ी के बारे में भी बताया कि जो 10 सीटर होगी, जो एक बड़े परिवार के लिए बड़ी लाभदायक होगी। इस गाड़ी में सभी पैसेंजरों का बैठने का सिस्टम फैमिली गाड़ी की तरह सामने ही होगा। आइए हम आपको कंपनी के सभी अधिकारियों से व बैंक अधिकारियों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हम आपको सर्विस मोबाइल वैन का भी पूरा वीडियो दिखा रहे हैं कि उसमें क्या खासियत रहेगी। ये हम आपको वैन दिखा रहे हैं जो सर्विस सेंटर है, चलता फिरता सर्विस सेंटर है। इस सर्विस सेंटर के जो मैकेनिक हैं, जो इंजीनियर हैं, वो हैं मिस्टर सुरेश कुमार जी। हम सुरेश कुमार जी से इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये किस प्रकार से काम करती है और किस नंबर डायल करने से ये वहाँ पर पहुँचती है। तो आइए हम सुरेश कुमार जी से बात करते हैं और सुरेश कुमार जी हमें बताएंगे इसके बारे में। सुरेश कुमार जी, हमें इस गाड़ी के बारे में आप बताएं कि पूरा क्या है। जी, और ये हमारी मोबाइल सर्विस वैन है। इसमें जो भी कस्टमर को दिक्कत आती है तो हम तुरंत उस कस्टमर के पास इस मोबाइल सर्विस को वैन को लेके जाके उसका घर पे पूरा काम करते हैं। इसमें हर सुविधा दी गई है, पूरे टूल हैं। इसमें कंप्रेसर है, उसके बाद में जैक हाइड्रोलिक है, टूल्स हैं, और जिस जो भी दिक्कत कस्टमर को आती है वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 8607999800, ये मेरे नंबर है जी। और मोबाइल सर्विस सुविधा इसके लिए हम तुरंत इसके साथ कस्टमर को सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद में गाड़ी को ये गाड़ी फ्री सर्विस के लिए अगर वो वारंटी में है तो वारंटी में करते हैं। जो पेड में है उस गाड़ी को हम पेड सर्विस देते हैं, और जो फ्री में है, जो वारंटी में, उसको फ्री सर्विस देते हैं। सब विस्तार से बताएं सर। इस गाड़ी में सबसे पहले ये हमारा कंप्रेसर है। इसकी सहायता अगर सहायता ली जाए किसी को, मान ले एयर नहीं है तो उसमें इसका हम मदद से उस गाड़ी का कर सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है सर, ये मैकेनिकल जैक है सर। और अगर गाड़ी में अगर लैपटॉप की जरूरत पड़ती है तो ये हमारा इसी में माउंटेड लैपटॉप, इसकी सहायता से हम गाड़ी में काम कर सकते हैं। उसके बाद में ये ट्रॉली है जिसमें मैकेनिक आराम से काम कर सकता है इस सुविधा के अनुसार। ये वाली सर लेट करके जिस भी गाड़ी में काम करने की अगर सुविधा है कर सकते हैं। उसके बाद में ये टूल ट्रॉली है सर, ठीक है सर। और ये गाड़ी को जो आगे पीछे ना जाए ये हम उसको लगा सकते हैं। तो अगर उसके बाद में जिस भी नंबर की जरूरत पड़ती है, हमारे टोल फ्री नंबर है सर, ये दो तरह के नंबर दिए हुए हैं सर, इस पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर सुविधा लगती है इस पे कॉल कर सकते हैं सर।
इसके अलावा भी मेरे नंबर हैं सर 8607999800। मेरा नाम अवनीश गुप्ता है और मैं फोर्स मोटर्स का बिजनेस मैनेजर हूँ। दिल्ली NCR और हरियाणा की डीलरशिप के सारे सेल्स ऑपरेशन मैं हैंडल करता हूँ। और आज के समय में जहाँ कस्टमर्स को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ों को ध्यान में रख करके और उनके ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रख करके कंपनी ने एक नई एक्टिविटी लॉन्च की है, जिसमें हम गांव-गांव में ट्रैक्स को लेकर के पहुंच रहे हैं और उनके उसके अपनी ट्रैक्स के बारे में जो भी खूबियां हैं, जो उनके लिए उनके समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं, उसे हम उनके उनसे परिचय करवा रहे हैं। और इस एक्टिविटी के माध्यम से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचना चाहते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को जो असुविधाएं होती हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में, उसको हम पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस गाड़ी के थ्रू हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उसके ओनर्स हों उनको इस गाड़ी से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि कस्टमर्स जब गाड़ी खरीद करके अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं तो उस गाड़ी से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें रख रखाव के खर्च नाम मात्र के बराबर हैं। और कंपनी की गाड़ी तकरीबन 12 कस्टमर्स को लेकर के 12 पैसेंजर्स को लेकर के ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ इस गाड़ी में बैठने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, जिससे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं उन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। साथ ही आज हमने अपनी सर्विस वैन का भी लॉन्चिंग किया है। सर्विस वैन के लॉन्चिंग का मकसद ये है कि हमने कस्टमर्स की जो असुविधाएं होती थी कि कभी उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए या वो वर्कशॉप तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो उस गाड़ियों की रखरखाव को ध्यान में रखने के लिए, उन गाड़ियों के रखरखाव को उनके स्पॉट पे जाकर के सर्विस देने के लिए सर्विस वैन का लॉन्चिंग किया गया है। काफ़ी कस्टमर्स ने जिनने ये सर्विस वैन अभी देखी थी उन लोगों ने बहुत सराहना की है और इसके बारे में उनके पॉजिटिव फीडबैक है कि ये कदम कंपनी की तरफ से और MM ऑटोमोबाइल्स की तरफ से ये बहुत ही सराहनीय कदम लिया गया है, इससे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष गोयल यहाँ रेवाड़ी MM ऑटोमोबाइल से MM ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर की हैसियत से यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हम लोग हर गाँव में ट्रैक्स एक ऐसा मेगा इवेंट करने जा रहे हैं। इस मेगा इवेंट में हम लोग यहाँ रेवाड़ी, बावल, धारवेड़ा, नारनोल, महेंद्रगढ़, इन सभी जगहों पर गांव-गांव स्टैंड में जा करके हम इस एक्टिविटी के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारी गाड़ियों में क्या खूबी है और कैसे एक आम जन के लिए ये गाड़ी एक आमदनी का स्रोत बन सकती है। और इस प्रकार ये गाड़ी ट्रैक्स क्रूजर सिर्फ कोई पहला प्रोडक्ट नहीं है, एक तकरीबन 40 वर्षों से ये गाड़ी रोडों पर लोगों की आमदनी का जरिया बना हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं अपने छोटे बड़े हर तरह के रूट पे, टेरन पे, कैसा भी रास्ता हो, हर रास्ते को ये गाड़ी कवर करती है। और लोगों की चहेतिया अगर हम कहें प्रोडक्ट है, कंपनी ने काफ़ी सारे बदलाव इस गाड़ी में किए हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इस रेंज में आ रहे हैं जिसमें ट्रैक्स क्रूजर के साथ एक ट्रैक्स सिटीलाइन करके प्रोडक्ट भी है। सिटीलाइन प्रोडक्ट एक वो प्रोडक्ट है जो अर्बन एरिया को कैटर कर रहा है, जिसमें 9 सवारी सामने की तरफ बैठ करके, जिसमें कि जैसे हम आमतौर पर साइड फेसिंग सीटें होती हैं, मगर इसमें आपको फ्रंट फेसिंग सीटें मिलेंगी देखने को। बेहतरीन गाड़ी है ये, उन लोगों के लिए है जो लोग 9-10 सवारी जाना चाहते हैं, आराम से लंबे सफ़र पर जाना चाहते हैं, वो भी हम लोग इसका भी लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे। साथ साथ आज हम लोगों ने अपनी डीलरशिप से फोर्स की मोबाइल सर्विस वैन का भी उद्घाटन किया है। उस उद्घाटन का एक मकसद ये है कि हम उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश से वर्कशॉप नहीं आ सकते हैं और वो ब्रेकडाउन रास्ते में ही हो गया है। तो ये पूरी तरह से इक्विप्ड वैन है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं, टूल्स के साथ ही लैस गाड़ी पूरी वर्कशॉप को अपने साथ लेके चलती है, जिससे कि हम कस्टमर की सभी सुविधाओं का निदान कर सकें, उसकी सभी समस्याओं का निदान कर सकें। यही एक उद्देश्य के साथ में आज ये एक्टिविटी लॉन्च किया गया है। मैं BD अग्रवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जो ये आपने वैन लॉन्च करी है, ये जो जाकर ठीक करेगी इस समय समय पर, तो क्या ये चार्जेबल रहेगी या इसमें कोई इसमें दो तरह की ऑप्शंस हैं। जो कस्टमर अभी जिस समय उसका वारंटी पीरियड चल रहा होगा
उस समय उसको नॉन चार्जेबल बेसिस के ऊपर जाएगा। अगर आफ्टर वारंटी वो करना है तो उस केस में वो चल जाएगा हर चीज के। सर अभी आप एक नई गाड़ी जो लॉन्च कर रहे हैं जो आपने बताया है वो 9 सीटर है जी, तो क्या वो कमर्शियल में रहेगी या प्राइवेट में भी उसका, रहेगी? उसका दोनों में रजिस्ट्रेशन संभव है, उसका कमर्शियल में भी संभव है रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट में भी संभव है। जो लोग बड़े परिवार हैं और ऐसे परिवार हैं जो ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें 10 सवारी सामने बैठ के चली जाए, तो उन लोगों के लिए बड़े परिवारों के लिए गाड़ी बनाई गई है। कम्प्लीटली एयर कंडीशन गाड़ी है, अंदर का इंटीरियर भी लाजवाब है, तो लोग आएँ इस गाड़ी को देखें तो उनको मालूम पड़ेगा कि कैसे हो सकती है। तो उसका अलग होगा दाजन प्राइस रेंज में वो। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह बिष्ट है, मैं फोर्स मोटर में सेल्स अधिकारी हूँ जो कि दिल्ली NCR और हरियाणा के रीजन्स को देखता हूँ। सर आपने लिखा कि 100% लोन सुविधा उपलब्ध है, तो किस प्रकार से, थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसको? जी, हमारी फोर्स मोटर कंपनी ने बहुत से फाइनेंसर्स के साथ अपना गठबंधन किया हुआ है जो कि 100% कस्टमर को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये सुविधा किस प्रकार से मिलती है, मतलब उसको कोई पे करना पड़ता है या कुछ है? कस्टमर के पास अपना पहले से फ्लीट होना चाहिए और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, जिस प्रकार से हम अपने जो हमारे टाइप्स हैं जिन बैंक्स के साथ, फाइनेंसर्स के साथ, उनके द्वारा हम अपने कस्टमर्स को 100% तक की इंश्योरेंस में और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। Myself मोहिंदर सिंह, आई एम फ्रॉम SK फाइनेंस लिमिटेड रेवाड़ी। अपना जो ब्रांच ऑफिस है BMG मॉल के सामने सेक्टर 5 मार्केट के अंदर है। मैं BSO हूँ, ब्रांच सेल्स मैनेजर। सर अभी ये इन्होंने लिखा है कि 100% लोन की सुविधा दी जाएगी, तो ये क्या रेट पे मिलेगा, किस प्रकार से लोन मिलेगा? सर ये है जो कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहा है तो उसके लिए रेट अलग होता है, अगर फ्लीट ओनर है, पहले गाड़ियाँ हैं, फाइनेंस रेशियो है, फ्लीट का फाइनेंस कितनी है, फ्री कितनी है, उसके बिहाफ पे कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिपेंड करता है। जो 100% है वो भी उस पर डिपेंड करता है? हाँ, उसमें यह देखिए, जैसे विद इन 6 मंथ कोई नई गाड़ी नहीं बनाई हो उसने, तो LTV अप टू 95% तक जा सकती है। ये है बाकी, और रहा सिविल का इशू, सिविल का इशू मान लो कई बार क्या होता है, सिविल में इशू आ जाता है, कोई पुराने लोन में इशू है, तो उसका जस्टिफिकेशन होकर हो जाता है भाई उस टाइम क्या बंदे की, कस्टमर की क्या सिचुएशन रही है जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ था या टाइम पे पुराना लोन रिपे नहीं कर पाया था। अगर उसका रीजनेबल कोई जस्टिफिकेशन है तो कोई इशू नहीं आता, फाइनेंस इजीली हो जाता है। सर मेरा नाम संजय है, मैं यस बैंक लिमिटेड से, मेरा ब्रांच ऑफिस है ब्रास मार्केट रेवाड़ी। तो सर किस प्रकार से फाइनेंस करते हैं गाड़ियों को? सर वो क्या है कि हर कस्टमर का अलग अलग प्रोफाइल होता है, उसके हिसाब से हम फंडिंग करते हैं। वैसे हमारा MM ऑटोमोबाइल के साथ कुछ टाइप है तो उसके लिए हम स्पेशल कुछ अलग से फंडिंग देते हैं कस्टमरों को। तो और बैंकों के अपेक्षा आपके रेट डाउन है या? वो सर सब बराबर ही होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है प्रोफाइल के हिसाब से, लेकिन हम बेस्ट रेट देते हैं सभी कस्टमरों को अपने। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र यादव है, मैं स्मॉल बैंक रेवाड़ी ब्रांच से हूँ, और हम जैसे जो लोन करते हैं वो कस्टमर की सिविल के हिसाब से करते हैं, प्रोफाइल क्या है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है तो उसको ज़्यादा फंडिंग कर देते हैं, मतलब ट्रैक अच्छा है पीछे का सिविल स्कोर बढ़िया तो फंडिंग ज़्यादा करते हैं, अगर सिविल स्कोर हमें कुछ वो है मतलब पीछे का ओवरड्यू वगैरह है तो उसको थोड़ा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है, कस्टमर को जस्टिफिकेशन देना पड़ता है मतलब क्या है क्या नहीं। हेलो, बस अपना बढ़िया। हेलो।